हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इस हरजीत कौर हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी टाइप्स के होते हैं और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नाउ लेट स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसकी बहुत ही यूनिक पोजिशन होती है मतलब कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही पावरफुल फंक्शनरी होता है पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों को ही कंट्रोल करता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट और बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी प्रेजिडेंट ही करता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ठीक है अगर दूसरे मिनिस्टर्स को डिसमिस करना हो तो वो भी प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है लोकसभा में राइट तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स दोनों मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राइट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यूजुअली थ्री टाइप्स के होते हैं कौन कौन से फर्स्ट आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स देन आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स राइट एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ़ गवर्नमेंट ठीक है अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड तो होता ही है और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है ठीक है वो अपनी पार्टी का लीडर होता है इन केस पार्टी दो पार्टीज को मिला के बनती है ठीक है मतलब कि कॉलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो कॉलिशन गवर्नमेंट का भी जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है ठीक है यूजली मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज द लीडर ऑफ द पॉपुलर हाउस राइट प्राइम मिनिस्टर इंजॉय लार्ज पावर्स ऑफ पेट्रोनिस्ट ठीक है बहुत सारी पावर्स होती है प्राइम मिनिस्टर के पास ठीक है कौन कौन सी होती है जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं ठीक है ठीके? वो प्रेजिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ठीक है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से ही मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है और अगर किसी मिनिस्टर को डिसमिस करना है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से ही प्रेजिडेंट किसी को डिसमिस करता है राइट अब पीएम अलॉट्स वर्क अमंग द मिनिस्टर्स ठीक है अब देखो जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है ठीक है लाइक फाइनेंस मिनिस्टर हो गया रेलवे मिनिस्टर हो गया रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हो गया ये जो मिनिस्ट्रीज होती है इनको कौन अलॉट करता है मिनिस्ट्रीज को प्राइम मिनिस्टर्स अलॉट करता है ठीक है जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास होएगी तो ये अलॉट कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर अलॉट करेगा ठीक है जब चाहे वो उनका पोर्टफोलियो चेंज भी कर सकता है अपनी मर्जी से ठीक है सपोज जो फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है अगर प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा ठीक है तो वो उसका पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर उसकी जगह पे किसी और को बना सकता है और उसको कोई और मिनिस्ट्री भी दे सकता है ठीक है मतलब कि मिनिस्ट्रीज को शफल कर सकता है प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से ठीक है प्राइम मिनिस्टर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेजिडेंट ठीक है अब देखो एक साइड आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है एक साइड आ गया हमारा प्रेजिडेंट ठीक है इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है जो भी बातचीत होती है वो कौन करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर ठीक है अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसी को अपॉइंट करना डिसमिस करना या कोई भी काम है ठीक है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करता है मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के क्या है ही इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेजिडेंट राइट मिनिस्टर्स गेट द सैलरीज एंड अलाउंसेज एक्स्ट्रा एज पेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ठीक है अब जो मिनिस्टर्स होते हैं ठीक है चीके? अब देखो एक तो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक होता है मिनिस्टर दोनों में डिफरेंस क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो हो गया जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है ठीक है अब किसी एमपी को कुछ स्पेशली स्पेसिफिकली कोई मिनिस्ट्री दे दी ठीक है जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी ठीक है तो वो पर्सन क्या बन गया वो मिनिस्टर बन गया ठीक है एम तो है ही साथ ही साथ वो मिनिस्टर भी है ठीक है अब जो मिनिस्टर को सैलरी और अलाउेंसेस मिलते हैं वो उनको मिलते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है और एडिशनली उनको क्या मिलता है कुछ अलाउेंसेज मिलते हैं ठीक है अलग अलग स्केल के और साथ ही साथ उनको एक रेजिडेंस मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ रेंट ठीक है अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ठीक है वो कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड करते हैं अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था ना कि तीन टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड करते हैं ठीक है फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ठीक है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते ठीक है बट वो कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं अगर उनको किसी पर्टिकुलर मीटिंग में इन्वाइट किया जाए ठीक है इफ़ इन्वाइटेड टू अटेंड एनी पर्टिकुलर मीटिंग ठीक है अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसी पर्टिकुलर मीटिंग में इनवाइट किया जाए तो वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं ठीक है फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स डिप्टी मिनिस्टर्स असिस्ट द मिनिस्टर्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज ठीक है डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं उनका काम करने में ठीक है बट वो कैबिनेट मीटिंग्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते ठीक है अब देखो तीन तरह के मिनिस्टर्स पढ़े थे ठीक है हमने पहले कौन से थे कैबिनेट मिनिस्टर्स सेकेंड आ गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट राइट right? जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते ही है ठीक है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको अगर इनवाइट किया जाए तब मीटिंग अटेंड करते हैं फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड नहीं करते राइट right? ये चीज़ें याद रखनी है तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है देयर इज नो बार टू अपॉइंट ऑफ एन नॉन एम एज अ मिनिस्टर ठीक है अब कोई पर्सन जो एम नहीं है मतलब कि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी अगर चाहे तो मिनिस्टर बन सकता है ठीक है बट अगर किसी नॉन एम को मिनिस्टर बना दिया तो उसको विद इन सिक्स मंथ किसी भी हाउस में एम बनना पड़ेगा ठीक है मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का इन केस वो सिक्स मंथ्स में मेंबर नहीं बनता तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा ठीक है मिनिस्टर बनने की शर्त क्या है नॉन एमपी भी मिनिस्टर बन सकता है बट विद इन सिक्स मंथ उसको एमपी बनना पड़ता है राइट अब नेक्स्ट आता है दो द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द दैजिस्लेटर ठीक है अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटर के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बट दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेजिडेंट राइट अ मिनिस्टर कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अब कोई भी मिनिस्टर लोकसभा की प्रोसीडिंग हो या राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स हो ठीक है दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वो वोट उसी हाउस में देंगे जिस हाउस के वो मेंबर है राइट अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना मिनिस्टर और एमपी में ठीक है एमपी पी होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स ठीक है मिनिस्टर होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री Allot की गई है 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 ठीक ठीक मिनिस्ट्री कौन करता करता प्राइम मिनिस्टर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं अलग से वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर कर दूंगी एम और मिनिस्टर्स का राइट right? फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स ठीक है अब देखो एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है जब हम पार्लियामेंट करेंगे तो उसमें हम करेंगे मोशंस के बारे में ठीक है तो उसमें एक मोशन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना वो अगर किसी भी हाउस में किसी भी हाउस में तो नहीं बोलेंगे हम लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर डिफीट हो जाता है ठीक है मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है ठीक है अब कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स जिनके टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था और उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी वो कौन कौन से हैं फर्स्ट आते हैं वी आर सिंह इन नाइनटीन ठीक है नाइनटीन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था फर्स्ट टाइम वी आर सिंह के टाइम पे ठीक है तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उनको छोड़नी पड़ी थी फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट से हारे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है मतलब कि एक वोट अगर और ना पड़ती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो हार जाते अगर हार जाते तो वो प्राइम मिनिस्टर रहते ठीक है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी पास नहीं होना चाहिए ठीक है फिर आता है थर्ड एच डी देवेगौड़ा नाइनटीन में उनके टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था ठीक है फिर आते हैं थ्री ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हु डाइड इन द ऑफिस ठीक है फर्स्ट आते हैं जवाहरलाल नेहरू मे नाइनटीन में उनकी डेथ हो गई थी ऑफिस के टाइम पे ही ठीक है फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जनवरी नाइनटीन में उनकी डेथ हो गई थी ठीक है दस में हुई थी उनकी डेथ फिर आते हैं हमारे मिसिस इंदिरा गांधी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन एटी फोर में उनकी डेथ हो गई थी उनका तो मर्डर हुआ था ठीक है पता ही होगा आपको मतलब तो इतना कुछ है नहीं है नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है अब देखो ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना तो इनको दो तीन बार पढ़ लेना ठीक है पेपर में पूछ सकते हैं ज्यादा चांसेस तो नहीं है बट फिर भी कई बार एस वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है अब देखो एज अ प्राइम मिनिस्टर लॉन्गेस्ट नॉर्कन का था वो थे जवाहरलाल नेहरू इनका कितना टाइम था सिक्सटीन ईयर्स नाइन मंथ्स एंड ट्वेल्व डेज ठीक है फिर थे प्राइम मिनिस्टर जिनका शॉर्टेस्ट पीरियड था ठीक है वो थे अटल बिहारी वाजपेयी कितने टाइम का था थर्टीन डेज का ठीक है फिर आते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द हाउस ठीक है no house, वो थे वीपी सिंह अभी हमने पढ़ाई है ठीक है फिर आते हैं हमारे जगजीवन राम जी ठीक है वो उनको क्रेडिट दिया जाता है टू रिमेन इन सेंट्रल कैबिनेट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ठीक है थर्टी टू ईयर्स के लिए वो सेंट्रल कैबिनेट में रहे थे जगजीवन राम जी ठीक है तो इसके साथ ही हमारा प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक खत्म होता है नेक्स्ट हम करेंगे अटॉर्नी जनरल एंड कैक के बारे में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय एंड अ नाइस डे